कल अपन ने जो पढ़ा था डाउट है आप लोगों को। बताओ कल जो भी पढ़ा अपन डाउट बच्चों को। ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपना है डायनेमिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर। इसमें क्या है, डायनेमिक इक्वेशन पढ़नी है अपन को और ट्रांसफर फंक्शन पढ़ना है। बहुत इजी टॉपिक है। जैसे अपन ने कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन निकालते थे, ब्लॉक डायग्राम का यूज करते थे, बस वही सब करना है इसमें। तो अब देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, अपन ने यहाँ पे क्या किया है, एक डीसी मोटर लिया है। तो डीसी मोटर के लिए जब भी आपको कोई बोले तो अपन को डीसी मोटर में क्या क्या शो करना होता है। एक आर्मेचर शो कर दिया अपन ने, आर्मेचर से शाफ्ट कनेक्टेड है, यह है इंडक्टेंस, यह है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये आर्मेचर करंट, और ये अलग से यहाँ पे अपन ने फ्लक्स लिया है, मतलब ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। अपन ने क्या करा, एक मॉडल बनाना है अपन को, तो सबसे पहले एक मोटर चूज करनी पड़ेगी। तो अपन ने चूज कर लिया है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अपन ने फील्ड को कॉन्स्टेंट रखा है। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, यहाँ से अपन सप्लाई देते हैं तो ये फ्लक्स यहाँ जनरेट होता है, आर्मेचर करंट यहाँ जनरेट होती है, तो अपन इसको हमेशा फिक्स रखेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं करना है, तो इस वाले केस में अपन ने फ्लक्स को एकदम कांस्टेंट कर दिया है। तो इस तरह से अपन ने डायग्राम बना लिया है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। अब इसमें टर्म्स देखो, आर ए क्या होता है, आर्मेचर का रजिस्टेंस, एल ए है आर्मेचर का सेल्फ इंडक्टेंस, आई ए आर्मेचर करंट, आई एफ फील्ड करंट, ई बी आपका बैक ई एम एफ, वोल्टेज, टॉर्क, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रिक्शन। यही चीजें है, वोल्टेज, करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर इंडक्टेंस, बैक ईएमएफ, फील्ड करंट, फील्ड इंडक्टेंस, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बी आपका शो करता है फ्रिक्शन को, क्योंकि आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट रोटेट करेगी, तो जैसे जैसे रोटेट करती है फ्रिक्शनल लॉसेस भी होते हैं, तो क्या शो करता है आपका फ्रिक्शन को। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब यहाँ देखो ये डायग्राम है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर करना है। अब उसके बाद में क्या करना है अपन को, केवीएल अप्लाई करना है। इस लूप में आप केवीएल अप्लाई करो, तो केवीएल क्या होता है, द सम ऑफ वोल्टेजेस अक्रॉस क्लोज लूप विल बी इक्वल टू जीरो। अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आपको देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टोटल वी यहाँ पे जो आप सप्लाई कर रहे हो वी, वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। सपोज आप यहाँ पे दे रहे हो 100 वोल्ट, तो उसमें से 5 वोल्ट रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, 10 वोल्ट इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ 85% वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो अगर आप मैथमेटिकली लिखोगे तो क्या लिखोगे, 100 इक्वल्स टू 5 प्लस 10 प्लस 85। आपको अगर किसी ने 100 रुपीज दिए तो उसके 5 रेजिस्टेंस में लॉस हुए, 10 इंडक्टर में लॉस हुए और 85 किसमें हुए, बैक ईएमएफ में। तो बस वैसे ही अपन को केवीएल इक्वेशन लिखनी होती है। तो अब देखो कैसे लिखेंगे इसको अपन। देखो सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों का ध्यान रखना, जहां से करंट एंटर करती है, ये अपना बिल्कुल नेटवर्क में अपने पढ़ा था, जहां से करंट एंटर करती है यहाँ पे प्लस साइन लगा दो, यहाँ माइनस। अब इंडक्टर ने भी यहीं से एंटर किया तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन। फिर बैक ईएमएफ में भी यहाँ से एंटर आई करते हैं तो प्लस यहाँ पे साइन, माइनस साइन यहाँ पे, ठीक है। अब बस अगर करंट इस तरह से जा रही है, प्लस के अंदर एंटर हो रही है, तो वो चीज आपको प्लस करके ही लिखनी है। अगर करंट इस तरह से एंटर हो रही है तो यहाँ पे आप कैसे लिखते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस है तो आप इसको लिखोगे प्लस आई आर एस। अगर यहाँ पे माइनस में एंटर हो रही है तो आप इसको लिखोगे माइनस आई आर। अब देखो इक्वेशन कैसे बनेगी, वोल्टेज इक्वल्स टू अपन क्या लिखेंगे, वोल्टेज इक्वल्स टू यहाँ से करंट एंटर हुई तो क्या लिखेंगे, प्लस में एंटर हुई आई आर। फिर यहाँ पे इंडक्टर में एंटर हुई, वहां पे भी प्लस से एंटर हुई, तो इंडक्टर से अक्रॉस कितना ड्रॉप होता है, एल डी आई बाय डी टी। फिर बैक ईएमएफ के अक्रॉस प्लस से एंटर हुई तो प्लस की। अगर आप इस वोल्टेज को यहाँ नहीं लिखते तो इसके देखो इस तरह से भी लिख सकते थे आप, अब देखो अब आप इसमें लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। अपन इसमें पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, देखो करंट यहाँ से गई, यहाँ से गई तो प्लस के अंदर से एंटर हुई ना, तो यहाँ से प्लस से एंटर हुई तो प्लस आई आर।
अब यहाँ पे इंडक्टर में कैसे एंट्रोपी के साइन से एंट्रोपी को प्लस एल डी आई बाय डी टी, बैक ईएमएफ में कहाँ से एंट्रोपी प्लस साइन से तो प्लस ई, यहाँ ही करें यहाँ पे कहाँ से एंट्रोपी माइनस के साइन से तो माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, इस वी को इस तरफ लेके चल जाओ तो आपका बन जाएगा वी इक्वल्स टू आई आर प्लस एल डी आई बाय डी टी इक्वल्स टू वी। समझ आया कुछ क्या किया अपन ने? अपन ने कुछ भी नहीं किया है, अपन ने यहाँ पे क्या किया है कि सारे जो वोल्टेजेस है उसका सम इक्वल्स टू जीरो करना है अपन को। तो बस कैसे करोगे, सबसे पहले जैसे जैसे करंट जा रही है आप पहले साइन लगा दो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब करंट अगर प्लस से एंटर हो रही है तो आप उसको प्लस करके लिख देना, करंट अगर माइनस में से एंटर हो रही है तो माइनस करके लिख देना। समझ आया? एक बार और रिपीट करूं मैं? ठीक है, सबको आया ना? ठीक है, तो इसकी अपने पास क्या इक्वेशन हो गई है, v इक्वल्स टू e प्लस आई आर प्लस एल डी आई बाय डी टी, ये अपनी एक यही इक्वेशन अपने यहाँ पे लिखी, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन, अपन को पता है डीसी मशीन में जो ईएमएफ की इक्वेशन होती है वो होती है पी फाई एन जेड डिवाइड बाय 68, ये इक्वेशन होती है। तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है तो अपन लिख सकते हैं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई और एन के। देखो ये पी होता है नंबर ऑफ पोल्स, जेड होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, तो जैसे ही आप मशीन डिजाइन करोगे नंबर ऑफ कंडक्टर भी एक बार आपने कनेक्ट कर दिए, नंबर ऑफ पोल्स भी आपने बना दिए, 60 भी कांस्टेंट है, ये होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये भी कांस्टेंट है, तो सब कांस्टेंट है। तो बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं कि बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय उसकी स्पीड के। इस स्पीड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई एन इक्वल्स टू होता है ओमेगा, तो यहाँ पे स्पीड एन की फॉर्म में गिवन है तो आप इसको एंगुलर स्पीड की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि ई इज प्रोपोर्शनल टू फाई ओमेगा। ये दोनों चीजें सेम है, बस एन की जगह अपन ने यहाँ पे ओमेगा लिख दिया है, दोनों सेम चीजें हैं। अब अपन को पता है कि इस वाले फॉर्म में अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि अपन फ्लक्स को कॉन्स्टेंट पुट करेंगे, तो अब देखो इसने क्या किया है। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने वही बोला कि डीसी मशीन के केस में ईएमएफ इक्वेशन कितनी क्या होती है, इक्वल टू पी फाई एन जेड डिवाइड बाय 68, तो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एन। अब इसने बोला एन आपकी स्पीड है आरपीएम में, इसको अपन ने ओमेगा में कनेक्ट कर दिया, तो इसको इसने लिख दिया ए बी इज प्रोपोर्शनल टू फाई ओमेगा। अब देखो ई बी इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे नया कांस्टेंट आ गया ई बी इक्वल्स टू सपोज के वन फाई ओमेगा, इस तरह से अपन ने लिख दिया के वन डैश फाई ओमेगा। बट अपन को क्या पता है कि ये भी कांस्टेंट है और इस वाले केस में फाई भी कांस्टेंट है, इन दोनों को एक और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा ई बी इक्वल्स टू के टू ओमेगा, इस तरह से। देखो इसने लिखा ई बी इक्वल्स टू के वन डैश फाई ओमेगा, फिर इसने बोला फाई और के वन भी कांस्टेंट है तो इन दोनों को नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया के वन से, पहले के वन डैश था अब के वन हो गया, तो ई बी इक्वल्स टू के वन ओमेगा, के वन इक्वल्स टू है के वन फाई, तो अपने पास अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, ये थीटा है फाई नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे थीटा आएगा, थीटा मतलब एंगुलर इसका एंगल, ठीक है एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगी। तो यहाँ पे अपनी अपनी होगी सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन थी अपनी ये वाली, फर्स्ट इक्वेशन आपने केवीएल रूप से केवीएल लगा के निकाल ली, सेकंड आपने ये वाली निकाल ली। अब थर्ड देखो, डीसी मशीन में टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है फाई यानी कि फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट के, तो अगेन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो अपन ने लिखा के टू डैश फाई आई ए, के टू डैश फाई आई ए। अब के टू डैश भी कांस्टेंट है और फाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो इन दोनों को भी आपने नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया के टू से, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू के टू आई ए, ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद में लास्ट इक्वेशन आएगी अपनी डायनेमिक इक्वेशन ऑफ मोटर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपने कहीं पे पढ़ी भी होगी, ये अपने पास मशीन की डायनेमिक इक्वेशन होती है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे अपन, टॉर्क इक्वल्स टू जे डी टू थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी,
ये इस तरह से अपनी चार इक्वेशन निकाल ली। तो आपको क्या करना है, अगर डायनेमिक मॉडल आता है तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये इसका मेन डायग्राम बनाया, केवीएल लगा के एक इक्वेशन ये निकाली, ईएमएफ से दूसरी इक्वेशन निकाली, टॉर्क से तीसरी इक्वेशन निकाली, और फिर एक टॉर्क की ही अपन ने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली ये वाली इक्वेशन निकाली। तो इस तरह से चार इक्वेशन निकाल ली। अब क्या करेंगे अपन, इन चारों इक्वेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ठीक है, ये चार इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये थी आपकी, दूसरी इक्वेशन ईएमएफ वाली, तीसरी इक्वेशन ही फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय करंट, और चौथी इक्वेशन आपकी ये थी। अब अपन ने क्या किया, इन सब इक्वेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म लिया। तो ये देखो, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, वी यहाँ पे एस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट था तो यहाँ पे ओनली, इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है ये क्या है, एक एक सप्लाई वाला फंक्शन है। मतलब कि इसके इसका जो फंक्शन है, इसके जो कांस्टेंट है वो सप्लाई वाला है, फ्रीक्वेंसी वाला है, मतलब सॉरी कि एक टर्म है यहाँ पे हो जाएगा आर आई, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म प्लस एल। अब जब डी बाय डीटी होता है तो यहाँ पे एक एस आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एस एल आई ऑफ एस। अगर यहाँ पे डी टू डी बाई डी टी होता तो एस स्क्वायर आ जाता प्लस ई। ये हो गया सिंपल आपका लैपलास ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म। तो ये इसने इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया। अब इस ई को अपन यहाँ लेके आएंगे तो बन जाएगा वी एस माइनस ई बी इक्वल्स टू दिस वन। यहाँ पे आई ए कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म, ये हो गई पहली इक्वेशन का लैपलास। दूसरी इक्वेशन क्या थी अपने पास, दूसरी इक्वेशन थी ई एम एफ वाली, तो इसका भी अपन लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे। ये थी आपकी दूसरी इक्वेशन, ई बी इक्वल्स टू के वन थीटा टू, ये हो जाएगा ई बी का लैपलास ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू के वन थीटा, और एक यहाँ पे एस भी आ जाएगा क्योंकि डी बाई डी टी यहाँ पे आ रहा है तो वहां पे एक एस कनेक्ट करना है अपन को। तो ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब ऐसे ही ये थर्ड इक्वेशन का निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन में तो कुछ नहीं करना, टी इक्वल्स टू के टू आई, और ये एस हो जाएगा, ये होगी थर्ड इक्वेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब फोर्थ इक्वेशन को देखो, फोर्थ इक्वेशन ये है अपनी, इसका क्या बनेगा, टॉर्क इक्वल्स टू जे। अब यहाँ पे दो बार लिखा हुआ है डी टू थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर, तो जब दो बार लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है, डबल बार एस स्क्वायर करना है, बस जे एस स्क्वायर थीटा एस प्लस बी। अब यहाँ पे एक बार ही डिफरेंशिएशन है तो एक बार ही एस लिखना है, थीटा एस। ये तो एक फंक्शन है और ये आपका एस डिनोट कर रहा है फ्रिक्वेंसी को। इस तरह से ये अपन ने चारों इक्वेशन का लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख दिया है अपने, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, चारों इक्वेशन के लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख दिया अपने। अब अपन को क्या करना है, ये जो लैपलास ट्रांसफॉर्म अपन ने लिए हैं इनसे अपन को ब्लॉक क्रिएट करना है। जैसे अपन ब्लॉक डायग्राम पढ़ते थे तो आपने सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था, वो आपको एक इक्वेशन दे देता था और उस इक्वेशन का यूज करके अपन ब्लॉक डायग्राम बनाते थे। तो बस वही करना है अपन को, अभी चारों इक्वेशन का यूज करके 1 2 3 4 अपन को ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसके लिए कैसे बनाया, सबसे पहले लिखा हुआ है वी माइनस ई एस, तो ये वी एस आ गया, ये ई एस आ गया, इनको एक अपन ने समर में दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन, आउटपुट क्या निकलेगा अपने पास, वी माइनस ई एस, वी माइनस ई एस। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसी इक्वेशन को देखो, इसने पहले ऐसे लिखा है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आई ए इक्वल्स टू क्या बनेगा, वी माइनस ई एस डिवाइडेड बाय आर ए प्लस एस एल ए, यही बनेगा। तो मतलब आउटपुट में मुझे ये मिलेगा, मुझे ये सब करना। तो क्या करेंगे, पहले वी लो माइनस ई करो, तो वी लिया अपन ने, यहाँ से ई लिया, दोनों को समर में डाला, वी एस माइनस ई एस हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन, ओनली इससे करोगे तो ये तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या करोगे आप, वन अपॉन आर ए प्लस एस एल ए, इससे मल्टीप्लाई करो तो जो भी आउटपुट आएगा वो आई ए बन जाएगा। समझ आ रहा है कि आप लोगों को, देखो एक बार फिर से देखो ये इक्वेशन तक समझ में आया अपन ने। देखो सबसे पहले क्या किया अपन ने, क्या किया ये अपन ने, ये डायनेमिक मॉडल लिया है इस तरह से। आपको बोलेगा कि आपको डायनेमिक मॉडल ड्रॉ करना है। हाँ ये तो समझ आ गया, वो आप बोल रहे थे ना ब्लॉक डायग्राम, अच्छा अच्छा ठीक है।
ये देखो ये आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लिया अपन ने चारों इक्वेशन का। अब अपन को क्या करना है, इन चारों इक्वेशन को ड्रॉ करना है बस, फिर वही आपका टॉपिक फिनिश है, बस अभी ड्रॉ करना सीखना है। तो ये जैसे अपनी पहली इक्वेशन है, इसको अपन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये जैसे अपनी पहली इक्वेशन है, इसको अपन को ड्रॉ करना है। तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई ए, ये इसका मतलब तो है कि अपन ने लैपलास ट्रांसफॉर्म किया है, ये जो एफ ब्रैकेट के अंदर आ रहा है इक्वल्स टू वी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एस एल ए, ये अपने पास इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, मेरे को आउटपुट में मिलेगा आई ए, इसको तो आउटपुट में लग गया। इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा वी, तो मैंने लिया वी, वी लिया। एक चाहिए मुझे ई, तो ये ई लिया। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे को इन दोनों को प्लस करना होता तो ये समझ लेके यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाती, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगाती, तो जो आउटपुट आता वो आता मेरे पास वी प्लस ई, क्योंकि इसके पास भी प्लस का साइन है, इसके पास भी प्लस का साइन है, बट मुझे ये तो नहीं चाहिए, अपन को तो क्या चाहिए, वी माइनस ई। तो यहाँ प्लस का साइन लगाओ वी के पास, यहाँ लगाओ माइनस का साइन। ठीक है, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो आएगा वी माइनस ई। यहाँ तक समझ आया? ठीक है, अब इसके बाद में अपन को क्या करना है, ये चीज तो अपने पास आ गई, अब अपन को ये वाला एक और, इसको कांस्टेंट मान लो। जैसे अगर मैंने लिखा है ये 5x डिवाइडेड बाय a, जैसे सपोज अपन ने लिखा है v माइनस e डिवाइडेड बाय p, अगर मैंने ऐसे लिखा है तो p एक कांस्टेंट है, तो v माइनस e तो आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ पे इस तरह से p लगा दूंगी और आउटपुट में लिख दूंगी कि दिस इज इक्वल टू आई ए, तो ये सही है कि अपने पास, इसका मतलब तो क्या हुआ, मेरे पास आई ए कितना हो गया, वी माइनस ई मल्टीप्लाई बाय पी, ये हो गया ना इसका मतलब। तो मुझे तो ये चाहिए था, समझ आ रहा है, अगर मैंने पी डायरेक्ट ऐसे लिख दिया तो ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी माइनस ई से ये पी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आई ए क्या बनेगा, पी मल्टीप्लाई बाय वी ई, बट ये तो अपन को नहीं चाहिए, तो अब अपन को वो 1/p से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे p ना लिख के मैं 1/p लिखूंगी, तो अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा v माइनस e मल्टीप्लाई बाय 1/p, ये बनेगा v माइनस e ये बनेगा v माइनस e डिवाइडेड बाय p। समझ आया कुछ? देखो ब्लॉक डायग्राम में यही तो होता है, एक तो होता है आपका ये समर वाला पॉइंट, इस तरह से ये समर वाला पॉइंट होता है यहाँ पे इस तरह से, ये इसका सिंबल है सिंपल। अब यहाँ पे आपने एक सिग्नल दिया, यहाँ पे आपने एक सिग्नल दिया, इसको सपोज आपने माइनस दे दिया, इसको आपने प्लस दे दिया, ये है ए ये है बी, तो आउटपुट में आएगा आपका ए माइनस। अगर आपने इसको भी प्लस दे दिया तो आउटपुट में आएगा आपका ए प्लस बी। ये तो सिंपल समर है, जैसे जैसे आप सिग्नल दोगे वैसे वैसे आपका आउटपुट बनेगा। अब उसके बाद में क्या है, इसके बाद में मैंने डायरेक्ट एक ब्लॉक लिख दिया, तो जो भी आउटपुट आएगा वो इस चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस। तो ऐसे ही अपन ने किया है। अब अपन को क्या बनाना था, अपन को ये वाली इक्वेशन बनानी थी, अपन ने लिखा आई इक्वल्स टू वी माइनस ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एल एस एल ए। तो मैंने पहले v लिया, इसको एक समर में डाला, यहाँ पे मैंने e लिया, यहाँ पे प्लस साइन लिखा, यहाँ माइनस साइन लिखा, तो आउटपुट में मेरे पास आया v माइनस e। अब इसको अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया, 1/r प्लस एस एल ए से, तो v माइनस e ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को आई ए। यही चीज अपन ने यहाँ पे की है, समझ आया कुछ? किसी को डाउट है क्या, फिर से रिपीट करना है तो बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, बस अपन को ऐसे चारों इक्वेशन बनानी है। जो अपन ने चार इक्वेशन ली, सबसे पहले आपने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ किया, चार इक्वेशन लिखी, चारों इक्वेशन का लैपलास ले लिया। अब लैपलास लेने के बाद में आपको उनको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उन चारों को कंबाइन करना है, बस इतना करना है अपन को। तो अभी तक अपन ने क्या किया है, चार इक्वेशन लिख दिए, चारों का लैपलास ले लिया है।
अब अपन उस लैपलास इक्वेशन से ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे। ये फर्स्ट वाला डन है। सेकंड देखो, सेकंड था ई इक्वल्स टू के टू एस थीटा एस। तो क्या करेंगे अपन, ये आउटपुट है अपना, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, एक्स इक्वल्स टू दिस 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 दिस, ये आउटपुट होता है और ये सब अपन को परफॉर्म करने होते हैं। तो ये आउटपुट है, तो ई भी इसको पहले आप आउटपुट में लिख दो, ठीक है। अब इनपुट में क्या आएगा, ये थीटा, तो एस की एस में लिखे होता है, मतलब ये इनपुट है अपने पास, तो ये इनपुट में लिखा थीटा एस। अब इसको अगर मैं सिंपल के टू से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा, ये के वन है, सॉरी के वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास ये आउटपुट आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया इसमें तो अपन ने, समझ आया? कोई डाउट है क्या? थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन है आपकी ये भी सिंपल, ये है तो इसको आप आउटपुट में लिख दो, इनपुट में आप आई ए दे दो, तो ये आई ए को आप जब के टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी ये, तो ये वाली चीज पहले अपने आउटपुट में लिखी, इसको आप ऐसे आउटपुट में भी लिख सकते हो, लेकिन इसने ये वाली चीज इनपुट में लिख के बनाई है वो आप, क्यों? क्योंकि जब अपन चारों को कंबाइन करेंगे ना तब आपको पता चलेगा, बाकी इसको अपन वैसे भी लिख सकते थे। इसको अपन ऐसे लिखते कि ये टी एस आउटपुट है, तो आप इनपुट में क्या लिखते, थीटा एस एस, और यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना देते। इसने इस तरह से लिखा है कि टी एस मैंने इनपुट दिया, टी एस के साथ इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मैं, अपन ने क्या किया है कि टी एस लिया सब, उसको मल्टीप्लाई करना है अपन को वन डिवाइडेड बाय एस जे प्लस बी से, तो आउटपुट में क्या आएगा, एस थीटा एस। क्लियर है यहाँ तक? अब डाउट होगा बताना। तो अब अपने पास क्या हुआ, ये चार ब्लॉक डायग्राम आ गए, पहला ये, दूसरा ये तीसरा चौथा, ये तो पहले वाला ही है, ये चार ब्लॉक डायग्राम आ गए। अब अपन इन चारों को बस कंबाइन करेंगे, तो देखो कैसे करना है, ये चार ब्लॉक डायग्राम आ गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब कैसे कंबाइन करेंगे अपन इसको, सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम था अपने पास, ये V आया, ये E आया, तो V E, ठीक है। देन यहाँ पे था एक ब्लॉक वन अपॉन आर प्लस एस एल ए, तो ये ब्लॉक आया वन प्लस आर अपॉन एस एल ए, यहाँ से आउटपुट में निकला आई ए, ठीक है। तो यहाँ से भी इसने क्या किया, आउटपुट में निकाल लिया आई ए। अब देखो आई ए कहाँ, इनपुट में जा रहा है, यहाँ इसको डायरेक्ट इससे तो कनेक्ट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ये इसको तो इनपुट में क्या चाहिए, थीटा एस चाहिए, इसको डायरेक्ट ऐसे तो कनेक्ट नहीं कर सकते अपन। आई ए कहाँ है, ये चीज है ना आई ए, तो इसके बाद में डायरेक्ट ये वाला ब्लॉक लगा दो, ये वाला थर्ड वाला। देखो इस आई को इसने बोला आई चाहिए ना, आई आउटपुट में आया है, तो आई को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, तो ये आई को आप के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास सी, तो यही केस नहीं, जो आई आया है इसको ये के टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया टी, तो यहाँ तक पहुंच गया। अब टी कहाँ पे इनपुट है, टी यहाँ पे इनपुट है, तो इसके बाद में ये वाला ब्लॉक लगा दो, टी आ गया, टी को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा थीटा एस, तो यहाँ से टी आया, इसके आगे ये वाला ब्लॉक लगाया तो अपने पास आया एस थीटा एस, एस थीटा एस आ गया, सॉरी ये आ गया एस थीटा एस। अब ये एस थीटा एस इधर कनेक्ट करोगे, ए बी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा ई एस, तो क्या किया इसने, एस थीटा एस है, यहाँ पे है एस थीटा एस, इसको अगर मैं के बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ गया ई। अब ई तो मेरा यहाँ है, तो मेरे को यहाँ फीडबैक में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे के बी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे ई आ जाता, बट स्टार्टिंग में तो ई मैंने यहाँ लगाया, तो इसको मैंने यहाँ कनेक्ट करना है। वापिस से बताऊँ ये वाली चीज एक बार, देखो क्या किया मैंने, सबसे पहले ये मैंने चारों इक्वेशन का लैपलास लेके चार ब्लॉक डायग्राम बना दिए। अब आप ब्लॉक डायग्राम को कैसे कनेक्ट करोगे, सबसे पहले आपने लिखा वी ई, यहाँ आया ये ब्लॉक आया, यहाँ आया आई ए। अब इसके बाद में क्या करोगे, ये वाली चीज आती है ना, ये वाला ब्लॉक डायग्राम उठा के यहाँ लगा दो कि आई ए तो इनपुट आएगा, आप इनपुट में आई ए देते थे, आई ए आई गया, इसके बाद में आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो ये के, तो आउटपुट में आ जाएगा आपका टी। अब टी कहाँ चाहिए था, यहाँ चाहिए था, इनपुट में टी चाहिए था, ये वाला ब्लॉक डायग्राम, अब यहाँ कनेक्ट कर दो,
तो क्या करेंगे, टी ये वाला ब्लॉक डायग्राम यहाँ आएगा, तो टी इनपुट आ गया, इसके बाद में आपको ये लगाना है वन अपॉन बी प्लस एस जे, तो आउटपुट में आता है एस थीटा एस, यहाँ तक हो गया एस थीटा एस आ गया। अब ये एस थीटा एस कहाँ था, ये वाला ब्लॉक था, ये वाला एस थीटा एस को के जी से मल्टीप्लाई कर देते थे तो ई एस आ जाता था, तो एस थीटा एस के आगे अगर मैंने के जी लगा दिया तो जो इसके बाद में मिलेगा मुझे वो मिलेगा ई एस। Yes. और ये E ही तो मैंने यहाँ कनेक्ट किया था, फिर से देखो अपन को कुछ भी नहीं करना है, अगर मैं आपको इस तरह से देती हूँ इसको ऐसे समझो, ये था X, यहाँ पे कुछ दिया अपन ने X Y, तो आउटपुट में आया Z। अब मैं यहाँ पे ऐसे कुछ Z को अगर आप एक ब्लॉक में दोगे तो यहाँ पे आप ये वन ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, यहाँ पे आपके पास आएगा एम, उसके बाद में आपने एम को तीसरा डायग्राम है में इस तीन नंबर ब्लॉक लिया तो आउटपुट में आएगा पी। इस तरह से आपके पास तीन डायग्राम है। अब मैं बोल रही हूँ इनको कंबाइन करना है, तो कंबाइन कैसे करोगे आप, आपने लिखा ये एक्स, इसको दिया आपने वाई के साथ वन नंबर ब्लॉक में, तो आउटपुट में आया जेड। अब ये जेड के आगे ये वाला ब्लॉक देखो, ये भी तो जेड आउटपुट ही है और ये भी जेड आउटपुट ही है, यहाँ पे अपन इनपुट में जेड देते थे तो आपको जेड ही तो मिला है। अब इसके आगे अगर मैं ये टू नंबर ब्लॉक कनेक्ट कर दूँ तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हुई, यही तो कर रही हूँ मैं, जेड के बाद में अगर टू नंबर ब्लॉक कनेक्ट कर दूँ तो आउटपुट में मिलता है एम, तो ये आउटपुट में मेरे को मिल गया एम। अब तीन नंबर का ब्लॉक देखो, ये है एम, एम के आगे अगर मैं तीन नंबर का ब्लॉक कनेक्ट कर दूँ मेरे को आउटपुट में मिल जाएगा पी। अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकती ना कि अगर मैं यहाँ पे x दिया y दिया आउटपुट में आया z और z के आगे डायरेक्ट मैंने ये तीन नंबर का ब्लॉक कनेक्ट कर दूँ तो आउटपुट में फिर मिल जाएगा, ये तो मिलेगा ही नहीं। तीन नंबर का ब्लॉक मुझे कब मिलेगा, जब मैं इनपुट में m m दूंगी, समझ आ रही है? z आया है इसके बाद में यहाँ पे तीन नंबर का ब्लॉक कनेक्ट करती, जैसे यहाँ पे है एम के बाद में तीन नंबर का ब्लॉक कनेक्ट करने पे पी मिलता है, तो मुझे यहाँ पे पी नहीं मिलता, तीन नंबर के ब्लॉक के आगे मुझे एम को कनेक्ट करना था, लेकिन अभी तो मेरा आउटपुट जेड आया है, जेड आया है तो जेड के साथ दो नंबर का ब्लॉक कनेक्ट करना पड़ेगा ना अपन को, तो बस वही करना है अपन को। एक अपन ने ब्लॉक डायग्राम दिया उसका जो आउटपुट है उसको उसी ब्लॉक से अपन कनेक्ट करना है, तो वैसे वैसे आउटपुट मिलता जाएगा, जैसे जैसे आउटपुट मिलता है उसको आगे जाके आप कनेक्ट करते रहो, तो बस यही किया है। ये देखो ये चारों ब्लॉक डायग्राम है, तो सबसे पहला ब्लॉक डायग्राम देखो, ब्लॉक डायग्राम ऐसे कैसे बनाया, यहाँ पे आउटपुट में मिला आई ए, तो अब आई ए के आगे मैं ये ब्लॉक कनेक्ट नहीं कर सकती, मुझे वही ब्लॉक कनेक्ट करना पड़ेगा जिसका इनपुट आई ए हो, इसको चाहिए इनपुट में आई ए, तो ये वाली चीज फर्स्ट, इसके जस्ट बाद में ये वाली चीज कर दूंगी कि भाई इन आई ए आ गया मेरे पास, आई ए के आगे मैंने ये कनेक्ट करा तो आउटपुट में आया टी एस। अब टी एस के बाद में ये वाला ब्लॉक नहीं कनेक्ट कर सकती, टी एस के बाद मुझे ये ही करना पड़ेगा क्योंकि इसको इनपुट में टी एस चाहिए, इसके जस्ट बाद मैंने ये वाला ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। अब इसका आउटपुट आया एस थीटा एस, इसके जस्ट आगे मैंने ये वाला ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, अब इसका आउटपुट आया मेरे पास ई एस, और आप देखो तो ये ई एस ही तो अपन को ये ई एस आया आउटपुट लास्ट में, और ये ई एस ही तो ये था इनपुट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अपन ने लास्ट में तो डायरेक्ट लिख दिया था ई एस, तो ये ई एस ही तो आउटपुट में आया, ये आया, समझ आया? इसने तीन नंबर वाला ब्लॉक कनेक्ट करा, फिर चार नंबर वाला ब्लॉक कनेक्ट करा, फिर ये सबसे पहले अपन को कौन सा कनेक्ट करना है, यहाँ पे सबसे पहले अपन को कनेक्ट करना है ये फर्स्ट नंबर, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये है थर्ड नंबर, ये है फोर्थ नंबर, इक्वेशन जिस अकॉर्डिंग दिखेगी, तो आपको कनेक्ट कैसे करना है, पहले आपको वाला ब्लॉक कनेक्ट करना है, उसके बाद में पहला वाला ब्लॉक, उसके बाद में तीसरे नंबर का ब्लॉक कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद में चौथे नंबर का ब्लॉक कनेक्ट करना है, फिर आपको ये दूसरे नंबर का ब्लॉक कनेक्ट करना है, और दूसरे नंबर का जो आउटपुट आएगा ये ई एस, वो कहाँ जोड़ना है, पहले नंबर की ई एस, तो वही कि अपन ने ये पहले नंबर का ब्लॉक है, ये तीसरे नंबर का ब्लॉक है, ये चौथे नंबर का ब्लॉक है, इसके बाद में ये जो दूसरे नंबर का ब्लॉक था उसका जो आउटपुट है वो अपने ई एस को जोड़ दिया, तो ये जो है ये आपके सारे ब्लॉक है।
इतना इतना भी। समझ आ रहा है कुछ कैसे अपने कंबाइन किया? कुछ भी नहीं करना, एक बार आप खुद से आके पेन कॉपी लेके लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा अगर आउटपुट में मेरा आई ए आ रहा है तो मैं उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉक वही ऐड करूंगी जिसके इनपुट में आई ए हो। तो बस अपन ने चारों ब्लॉक को कनेक्ट कर दिए। समझ आई थी? अब देखो थीटा एस, अगर मुझे आउटपुट में ऑनली थीटा एस ही चाहिए तो मैं क्या करूंगी इसके बाद में एक 1 बाय एस मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो अब मेरे को आउटपुट में थीटा एस ही मिलेगा। अभी यहां तक ये वाली थी, आगे मैंने 1 बाय एस कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास आउटपुट आ गया थीटा एस। तो ये मेरा इनपुट हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया, ये हो गया मेरा ब्लॉक। तो अपना जो था डायनेमिक मॉडल एंड ट्रांसफर फंक्शन वो यही है, ये पूरा हो गया आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी मोटर इस तरह से। अब इसके बाद में क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम टेक्निक लगाते हैं, बस वो लगाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं अपन, ये वाला जो टिक ऑफ पॉइंट है अगर इसको अपन यहाँ लेके जाएंगे, ये वाला जो टिक ऑफ पॉइंट है अगर इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगी तो क्या होगा, ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी एस से और ये वाली पॉइंट यहाँ जाएगा। वही करना है, तो इसने क्या किया ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था जाएगा हो जाएगा। पढ़ा था ना अपन ये टेक ऑफ पॉइंट को ब्लॉक के बाद में लेके जाते क्या होता है, ये अभी से जिस तरह से यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कैसे किए इस तरह से कनेक्ट ना हो कि ये ऐसे कनेक्ट होगा, लेकिन आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस ब्लॉक से आप आगे लेके जाते हो उस वाले ब्लॉक से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 बाय एस को डिवाइड करोगे तो कौन सी एस यहाँ आ जाएगा एस और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ऐसा क्यों किया अपने, ताकि अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बैक टू बैक कनेक्टेड है, इसके बाद इन सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन आर एस एल मल्टीप्लाई बाय के टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन बी प्लस एस सी मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन एस सी। ये पूरी ये दोनों भी एक साथ कनेक्टेड है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो के मल्टीप्लाई बाय एस ये हो गया एस। इस तरह से फंक्शन कर जाए ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट थी तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये दोनों चीज़ें अपना बेसिकली सिस्टम है इसमें रिड्यूस हो गया। अब आप देखो कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो गया, नेगेटिव फीडबैक में कैसे फॉर्मूला लगा देते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट, सॉरी आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होता था, ये था आपका इनपुट, यहाँ होता था सपोज बी, ये होता था आपका आउटपुट और यहाँ पे फीडबैक लगता था, यहाँ होता था आपका नेगेटिव। आप इसमें क्या लिखते थे, आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू क्या लिखते थे, ओपन लूप गेन बी डिवाइडेड बाय, याद है फॉर्मूला, जी देखो अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ कनेक्ट किया है तो मैं प्लस लगाऊंगी, अगर ये चीज पॉजिटिव साइन के साथ कनेक्ट होती तो यहाँ पे माइनस ध्यान रखना। तो अभी इतना नेगेटिव है, नेगेटिव फीडबैक है तो अपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, बस इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट है आपका कितना है, इनपुट है आपका बी, तो बस वही करेंगे अपन यहाँ पे। आउटपुट थीटा एस डिवाइडेड बाय इनपुट बी इक्वल्स टू क्या होगा, जी यानी कि ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय वन प्लस ये वापिस से टर्म मल्टीप्लाई बाय एस, तो एस ये अपना हो गया पूरा ट्रांसफर फंक्शन। तो यही किया करते इस पूरे को लिखा, इसके बाद में इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको बोलते हैं फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर। बेसिकली ये पढ़ना था फर्स्ट क्वेश्चन, ये चीज है सबको ट्रांसफर फंक्शन लेके आना। तो क्या क्या किया आपने, फटाफट से रिवीजन देखते हैं, सबसे ज्यादा जो डाउट वो बताना। सबसे पहले अपने पहला पार्ट पढ़ना था डायनेमिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर और उसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना था। तो सबसे पहले अपने ये डायग्राम बनाया था डीसी मोटर का, स्पेसिफिकली एक्साइटेड डीसी मोटर का। इसके बाद में अपने क्या किया, फेवियर का लॉ लगाया इस तरह से, फिर ये एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद में अपने बोला ईएमएफ इक्वल्स टू ये होता है, तो यहां से अपन ने ये दूसरी इक्वेशन की, देन टॉर्क इक्वल टू होता है फाई मल्टीप्लाई बाय करंट। तो अपन ने बोला फाई कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट और लगाया तो इक्वेशन लिख ली।
वाली इक्वेशन आप याद करना कि जो मोमेंट ऑफ फ्रिक्शन के साथ जो होती है इक्वेशन वो जीरो, ये चार इक्वेशन आपने की। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या किया, चारों इक्वेशन का अपन ने लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लिया। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद अपने पास ये लैपलास फॉर्म में चार इक्वेशन आ गई, ए बी सी डी लिखा हुआ है अपने पास, यहाँ पर चार इक्वेशन आ गए। ये हो गई आपकी चार ए बी सी डी, ये सबका लैपलास। अब क्या किया, इन चारों इक्वेशन को अपन ने चार ब्लॉक डायग्राम में लिख दिया। ये हो गए आपके चार ब्लॉक डायग्राम, ये वन तरह से चार। अपन को इन चारों को कंबाइन करना, तो बस कैसे कंबाइन किया, फर्स्ट देन थर्ड देन फोर्थ देन सेकंड, इस तरह से अपने कंबाइन कर दिया, ये अपना कंबाइन ब्लॉक डायग्राम हो गया। फिर यहाँ पे अपने पास आया था एस थीटा एस, तो अपन ने बोला कि अपन का आउटपुट मतलब थीटा एस, यहाँ पे वन बाय एस लगा के आउटपुट में लिखा है थीटा। ये होगी पहले, ये आ गया आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम। अब आपको इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये यहाँ पे पॉइंट है इसको हटा के पहले आप इधर लेके आओ, ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये वन बाय एस का अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे जब आप कनेक्ट करोगे तो आपका एस से मल्टीप्लाई, तो बस यही वाली चीज़ है कि पहले तो अपन को मल्टीप्लाई, अगर ऐसा होता तो अपन इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते थे बीच में एक पॉइंट, लेकिन आप करने के लिए पॉइंट को यहाँ से दिया और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों साथ में आ गए थे इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आपका सिंप्लीफाई एकदम नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला बन गया, अपन ने नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया आंसर फंक्शन आ गया दिस वन, यही अपन को करना था। समझ आया कुछ, समझ आया कुछ, समझ आया कुछ।